Hope you all are fit and fine being at your home. So students, here we are going to continue the same chapter which we were continuing in the previous video. The chapter name is Animals Everywhere, in which I had explained you about the different species or different animals, their different habitats, breathing in animals in different ways. Okay, organs of breathing I had explained, like some animals breathe with their spiracles, some with the help of lungs, some with the help of gills, etc. Okay, so today we will learn about feeding habits in animals. Yani ki jo animals hote hain wo kaise apne babies ko feed karte hain. एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी. जिस तरीके से हमें ह्यूमंस को ग्रो करने के लिए, एनर्जी प्राप्त करने के लिए फूड की नीड होती है, सेम एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो टू गेट एनर्जी एंड टू स्टे हेल्दी. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. जिस तरीके से हम सभी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, पसंद करते हैं, वैसे ही अलग अलग एनिमल्स भी अलग अलग टाइप का फूड पसंद करते हैं. देयर फीडिंग हैबिट्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट. वो किस प्रकार का भोजन खाते हैं उस पर उनकी हैबिट डिपेंड होती है. देयर माउथ पार्ट्स आर सूटेड टू द टाइप ऑफ फूड दे ईट. सभी एनिमल्स का जो माउथ होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से वो अलग अलग फूड को लेते हैं. Organs of feeding. You learned in class 3rd. In previous class, you already have studied about beaks and claws of birds are modified according to the kind of food they eat. अलग अलग जो birds होते हैं उनके अलग अलग beaks और claws होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग तरह का भोजन करते हैं. Rodents like rabbits, mice and squirrels have small and sharp front teeth. रैबिट्स, माइस और स्क्वेरल यानी कि गिलहरियाँ जो होती हैं उनके बहुत ही छोटे छोटे और नुकीले दांत होते हैं. दे ग्नो सीड्स एंड फ्रूट्स. ये क्या करते हैं, फलों को और बीजों को खाते हैं. हर्बीवोर्स लाइक काउस, गोट्स एंड जिराफ हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग. जिराफ्स जो होते हैं उनके सामने के जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं. कैसे होते हैं, शार्प, और जो चबाने के लिए जो दांत होते हैं वो उनके ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं. ओके, बड़े होते हैं. दे ईट ग्रीन प्लांट्स. ये क्या करते हैं, हरे पौधों को खाते हैं. कार्निवोर्स. Carnivores like the lion, tiger and cat have very sharp pointed and curved front teeth for tearing flesh. मांस को फाड़ने के लिए, मीट को खाने के लिए ये लोग adapted होते हैं sharp pointed और curved teeth से. They also have strong grinding teeth. उनके बहुत ही मजबूत दांत होते हैं grinding के लिए, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, crush करने के लिए. To chew the flesh and the bones. दे फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ये क्या करते हैं, अलग अलग जानवरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको ही ये खा लेते हैं. मूवमेंट इन एनिमल्स. जिस तरीके से सभी एनिमल्स के डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, रहने की अलग अलग जगह होती हैं, सभी के ब्रीदिंग ऑर्गन्स अलग होते हैं, सभी की ईटिंग हैबिट्स अलग होती हैं, और उसी तरीके से मूवमेंट भी सभी में अलग अलग तरीके से होता है. एनिमल्स नीड टू मूव इन ऑर्डर टू सर्च फॉर फूड. एनिमल्स क्या करते हैं, भोजन की तलाश में इधर उधर उनको घूमना पड़ता है. बेबीज फ्रॉम बींग हंटेड एंड बिल्ट रेस्टिंग एंड ब्रीडिंग प्लेसेस. एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने बेबीज को बचाने के लिए क्या करते हैं, ये रेस्टिंग वगैरह अपने रुकने का स्थान बनाते हैं. Animals have different types of body parts or limbs for movement and different ways of moving from one place to another. सभी जानवर अपने अपने तरीके से movement करते हैं with the help of their body parts. Land animals क्या होते हैं, most mammals have four limbs.
बहुत सारे जो मैमल्स होते हैं, अधिकतर मैमल्स होते हैं, उनके 4 लिम्ब्स होते हैं, दो आगे के 4 लिम्ब्स और पीछे के हिंड लिम्ब्स। ओके, द टू एट द फ्रंट आर कॉल्ड 4 लिम्ब्स एंड द टू अदर आर कॉल्ड हाइंड लिम्ब्स। ओके, फिन्स ऑफ अ फिश, फिश अपने फिन्स से मूव करती है, जो आप देख सकते हैं इन द गिवन फिगर, दीज आर द फिन्स ऑफ अ फिश। टर्टल जो होते हैं वो स्विम करते हैं अपने बॉडी पार्ट से। एनिमल्स दैट जंप और हॉप, जो फुदकते हैं या कूदते हैं, उनमें से है आपका कंगारू, फ्रॉग, लोकस्ट। जो 6 लेग्स के होते हैं, जो फ्लाई भी करते हैं, बैड बग, बटरफ्लाई एट्सेट्रा। ओके, वाटर एनिमल्स क्या होते हैं? फिश हैव फिन्स फॉर स्विमिंग। फिश जो होती है उसके फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, तैरने के लिए। द टू पेयर्ड फिन्स आर यूज टू मूव फॉरवर्ड, द अनपेयर्ड फिन मेंटेन्स बैलेंस। आगे के जो फिन्स होते हैं, पेयर्स होते हैं टू के, वो आगे मूव करने के लिए होते हैं, और पीछे वाले जो होते हैं वो बैलेंस रखते हैं बॉडी का। टर्टल्स हैव 4 पैडल लाइक लिम्ब्स टू पुश वाटर बैक एंड टू स्विम। टर्टल्स के भी 4 लिम्ब्स होते हैं, जिनको वो पानी को पीछे करने के लिए और खुद की बॉडी को आगे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इंसेक्ट्स क्या होते हैं? दीज 6 लेग क्रिएटर्स यूजली यूज देयर लेग्स फॉर मूवमेंट। छोटे छोटे अपने नन्हे नन्हे पैरों से ये मूवमेंट करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, रेंगते हैं। अ ग्रास हॉपर यूजेज इट्स लॉन्ग हिंड लेग्स फॉर हॉपिंग। ग्रास हॉपर जो होता है, जिसको टिड्डा कहा जाता है, वो हॉपिंग के लिए अपना जो लॉन्ग हिंड लेग्स होते हैं, पीछे के लेग्स, उनका यूज़ करता है, हेल्प लेता है। सम इंसेक्ट्स हैव 1 or 2 pairs ऑफ विंग्स एंड कैन फ्लाई। कुछ इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में मदद करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट बर्ड्स, द 4 लिम्ब्स ऑफ अ बर्ड आर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। आगे के जो 4 लिम्ब्स, आगे के पैर होते हैं, वो बर्ड्स को क्या करते हैं? उड़ने में हेल्प करते हैं। विंग्स में फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं। द विंग्स आर अटैच्ड टू द ब्रीस्ट बोन ऑफ द बर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। मसल्स के सहारे ब्रीस्ट बोन से विंग्स अटैच्ड रहते हैं। दीज मसल्स इनेबल द बर्ड टू फ्लैप इट्स विंग्स। और इन्हीं मसल्स के कारण पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा पाते हैं, फ्लैप कर पाते हैं और उड़ पाते हैं। वेन अ बर्ड लैंड्स आफ्टर अ फ्लाइट, इट यूजेज इट्स हिंड लिम्ब्स। जब भी बर्ड उड़कर किसी पेड़ पर या नीचे जमीन पर बैठती है, तो वो अपने हिंड लिम्ब्स का यूज करते हैं। इट ऑल्सो यूजेज देम टू वॉक, और चलने में भी उनके पीछे वाले जो पैर होते हैं वो हेल्प करते हैं, पर्चिंग करने के लिए, हॉपिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आर रेप्टाइल्स, लिजार्ड्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, टर्टाइजेस, ये सभी क्या होते हैं? रेप्टाइल्स। दे हैव अ ड्राई स्केली स्किन एंड ले सॉफ्ट शेल्ड एग्स ऑन लिड। ये क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं, अपने छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। दो दे हैव लिम्स दे क्रॉल, उनके भी लिम्स होते हैं जिससे वो रेंग पाते हैं। स्नेक्स आर रेप्टाइल्स, दे डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक्स के कोई पैर नहीं होते। दे हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज। दीज प्लेट्स आर अटैच टू देयर रिब्स। वेन स्नेक्स मूव, दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट एंड द रिब्स एक्ट लाइक एक्स। जो स्केल्स होते हैं, उनकी मदद से ही सांप रेंग पाते हैं। बिसाइड प्लेट्स दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन। इनकी जो बैकबोन होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, जो इनके जिगजैग मोशन को प्रमोट करती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू द ह्यूमन
ह्यूमंस कंपेयर्ड टू द लिम्स ऑफ एनिमल्स, द लिम्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर हाईली डेवलप्ड. हमारे जो लिम्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड हैं. दे यूज ओनली वन पेयर ऑफ लिम्स, लोअर लिम्स. लोअर लिम्स में क्या आते हैं हमारे? लेग्स. लेग्स का हम यूज करते हैं मूवमेंट के लिए, खड़े रहने के लिए, दौड़ने के लिए. अनलाइक अदर एनिमल्स, ह्यूमंस हैव एन इरेक्ट पोस्चर. जानवर क्या होते हैं? उनका चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चारों उनके पैर यानी कि फोर लिम्स हिंड लिम्स. मीन्स कोई भी एनिमल है दो के आगे होते हैं, दो पीछे होते हैं, या टेबल की तरह स्ट्रक्चर होता है. ये आपके आगे वाले होते हैं फोर लिम्स, एंड टू जो बैक साइड होते हैं दीज आर हिंड लिम्स. ओके, तो वी पीपल्स यूज अवर हिंड लिम्स टू मूव, टू वॉक और टू स्टैंड. ओके, और इसीलिए हमारा जो पोस्चर है वो इरेक्ट रहता है, हम सीधे खड़े हो सकते हैं और कोई भी एनिमल नहीं हो सकता. राइट, उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का हो जाता है. ठीक है, आवर हैंड्स आर एडाप्टेड टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स. हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं इन आवर हैंड्स. द अरेंजमेंट ऑफ द थंब अपोजिट टू द फिंगर्स एनेबल अस टू होल्ड टूल्स एंड डू मैनी काइंड्स ऑफ वर्क. और जो हमारे फिंगर्स का और थंब का अरेंजमेंट है वो बहुत ही बेस्ट है, जिससे हम कोई भी वर्क को कर सकते हैं. सो वी कैन से कि जो सबसे अच्छा अगर कोई एनिमल है, मोस्ट डेवलप्ड है, तो वो ह्यूमन है. माइग्रेशन अमंग एनिमल्स. सम एनिमल्स मूव ग्रेट डिस्टेंस एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर. कुछ एनिमल्स को सालों लग जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने में. दिस मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. माइग्रेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्थानांतरण. इन सर्च ऑफ फूड एनी एनिमल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. एनिमल्स माइग्रेट टू स्केप हार्श वेदर, टू सर्च फॉर फूड एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स. जरूरी नहीं है भोजन की वजह से ही हो सकता है, जो भी वेदर वहाँ पर है, क्लाइमेट जो है वो वहाँ पे सूटेबल ना हो उस एनिमल को. दैट इज वाई दे हैव टू माइग्रेट फ्रॉम अनदर टू अनदर प्लेस टू पर्टिकुलर प्लेस. ओके, माइग्रेटरी फिश लाइक ईल्स स्पेंड देयर लाइफ इन रिवर्स. दे ट्रेवल फ्रॉम द रिवर टू द सी टू ले एग्स. रिवर्स से जो फिशेज होती हैं वो सीज में पहुँच जाती हैं एग्स ले करने के लिए. ओके स्टूडेंट, सो आई हैड कम्प्लीटेड मोस्टली हाफ चैप्टर टुडे. नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू रिवाइज ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द सेम चैप्टर. डू फाइंड एक्सरसाइज ऑफ सेम चैप्टर. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज ask me on my personal number or audio group. If you have not subscribed my channel till now, please do subscribe it so that you will not miss any video from my side of your science subject. Till then, bye bye, take care, have a good day.